नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तंबाक गुटखा एक जहर है जो सरेआम बाजारों की रेडियों में बिक रहा है। सरकार केवल इनकी पन्नियों पर चेतावनी लिखकर छोड़ देती है। उनका मानना है कि यह एक जहर है और इससे कैंसर होता है और उसके बाद क्या होता है, अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। परंतु आज इसकी चपेट में युवा मजदूर और गरीब तबका सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में कैंसर होना आम बात है। हालांकि सरकार ने प्लास्टिक पन्नी को बैन किया है कि प्लास्टिक में कोई भी सामान नहीं ले जाया जाएगा, परंतु आपको बता दें कि सामान लाने वाला लिफाफा जरूर बंद हो गया है, लेकिन तंबाकू गुटखा से लेकर के और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कुरकुरे हैं और बच्चों को खिलाने वाले सामान जो स्कूलों के आगे दुकानें लगी रहती हैं, वो प्लास्टिक की थैलियों और पन्नियों में आराम से बिक रहा है। ना कुछ उसे कोई रोकने वाला है और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं गुटखा की, यानी जर्दे की। इसको लेकर के हमने शहर में कुछ लोगों से बातचीत की और सभी का कहना है कि गुटखा एक गंदगी फैलाने वाला जहर है। इससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और इसी की वजह से लोग खाना खाना छोड़ रहे हैं। लोग भरपूर पोषण लेने की बजाय इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। यह आसानी से हर जगह पर उपलब्ध हो जाता है। इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, इसलिए गरीब तबका और मजदूर वर्ग इसको आसानी से खरीद सकता है। लोग गुटखे को पान में मिलाकर के भी खाते हैं ताकि इसका स्वाद अलग हो सके। सरकार ने ये सब बंद किया हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से बिक भी रहा है। अगर इसे तुरंत बंद नहीं किया गया तो आने वाला समय बड़ी गंभीर व्यवस्था और परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि लोगों को खरीदने के लिए ज़रूर बैन कर लिया जाता है, लेकिन उत्पादन इसका बंद नहीं हो पाता। हालांकि इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि गुटखे से किसी को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बीमारियों का घर है और बीमारियों की जड़ है जो पूरे देश में फैलती जा रही है। इसके बारे में जब हमने कैथल के डॉक्टर आरपी मान से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक धीमा जहर है। पहले तो यह भूख लगाना बंद कर देता है, फिर ये एसिडिटी पैदा करता है और फिर गले के नसों पर अपना प्रभाव डालता है। इसे मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी अनेक कई घातक बीमारियां हो सकती है। सरकार को चाहिए कि इसे तुरंत बंद किया जाए। जो लोग इसकी चपेट में आते हैं और इसके आदि हो चुके हैं, वह नशा मुक्ति केंद्र का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा वे डॉक्टरों से भी राय ले सकते हैं और घर वाले भी उन्हें सपोर्ट करें ताकि उन्हें गंदे नशे से निजात पा सकें। आइए देखते हैं शहर में लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं लोग। पलपल कैथल से नवीन बल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट के साथ। धर्मवीर भोला, एडवोकेट। अच्छी बताएगी गुटखा पूरे शहर में बिकता है, सरकार को मान्यता दे रखी है, क्या नुकसान है, क्या मतलब इसको बंद नहीं चाहिए? देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर गुटखा खैनी खाने की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है और सरकार भी उस पर प्रयासरत रहती है कि भी गुटखा बंद हो। और जो गुटखा का निर्माण होता है, जब बनाया जाता है तो उसमें लिखा भी जाता है कि भी ये सेहत के लिए हानिकारक है और जानलेवा है, लेकिन लिखने मात्र से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये गुटखा छूट रहा है। तो सरकार को चाहिए कि गुटखा को बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल इस पर प्रतिबंध लगा दें। जब तक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो गुटखे को बंद करना पड़ेगा। हजारों लोगों को कैंसर की वजह से, गुटखे की वजह से कैंसर होता है, मुंह का, गले का, और लाखों लोगों की इस बिन आई मौत के अंदर जान देनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि सारा जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी चाहते हैं कि गुटखा पर प्रतिबंध होना चाहिए और सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मेरा नाम विक्की टाक है। पूरे शहर में जगह जगह लोग फूल देते हैं, गुटखे खाते हैं, आप क्या कहते हैं? ये पूरे शहर में जो तम्बाकू खाने का काम, गुटखे खाने का काम करते हैं, जो जगह जगह थूकते हैं, सरकारी दफ्तरों में देखा पाया होगा आपने, सड़क पे देखा हुआ है, ये बड़ा गंदगी का माहौल पैदा कर देते हैं। इससे हमें नहीं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। मैं सभी से
आम नागरिक से और जो खाते हैं उन्हीं सब से ये अपील करता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए। इससे ब्लड कैंसर भी होता है, कैंसर भी हो जाता है और सभी प्रकार की धीरे धीरे बीमारियाँ उसको जकड़ देती है। बिल्कुल सर, इसको ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए। जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो कारखाने चलाए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए, गंदी चीज़ों को बनाने के लिए, गुटखे बनाने के लिए, इन सभी के ऊपर बैन लगाना चाहिए। और अगर नहीं बंद करते तो एक ऐसा कानून प्रावधान बना के इन सभी को बंद करके इनके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए जिस तरीके से। सर आपका नाम? मैं नवीन मल्होत्रा हूँ। बाजार में हम देख रहे हैं कि गुटखा सरेआम बिक रहा है, युवा खा रहे हैं, मजदूर खा रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसको बैन नहीं कर देना चाहिए? गुटखा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की जो है पैदा करता है। सरकार ने इस पर बैन भी लगाया, कुछ दिनों तक जो है वो छापेमारी भी की गई, लेकिन उसके बावजूद फिर वही डाक के तीन पात, वही हर दुकान पे, हर खोखे पे, हर गली कूचे में जो है ये गुटखा है, ये तम्बाकू है, ये बिक रहा है। और ये इतने इसके घातक परिणाम हैं कि इसके पाउच पे भी लिखा होता है कि इसके खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग इसको नशा करने के लिए इसको खाते हैं। इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक ये बीमारी है। ये सरकार को इसके ऊपर अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए और जो लोग इसको बेच रहे हैं और जो इसको बनाने वाले हैं उन पर ही सरकार जो है एक कड़ा जो है वो रुख अपनाए, ताकि आम आदमी को इस खतरनाक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इससे मुंह का कैंसर हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमारे देश को होंगी, हमारी युवा पीढ़ी जो है ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसको सख्ती से रुख अपनाते हुए इस पर पूरी तरह से बैन करे और जहाँ भी यदि ये बिकता है तो उसके खिलाफ़ जो है कड़ी कार्रवाई करे। सर आजकल ना गुटखे का बड़ा प्रसरण हो चुका है, युवा भी आ रहे हैं इसकी चपेट में, खासतौर पर मजदूर वर्ग तो ज़्यादा चपेट में आ रहा है, किस तरह के इससे नुकसान है, इससे कैसे बचना चाहिए? देखिए गुटखे के ज़्यादा यूज से एक तो सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसमें भूख लगनी बंद हो जाती है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तेजाब बनना शुरू हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है जिसके कारण उसका आई मीन सारा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, गले में खराबी आनी शुरू हो जाती है जिससे गले का कैंसर भी हो सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, किसी तरह से उपयोग नहीं है, इसको गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए? 100% बैन कर देना चाहिए, इसको कोई यूज़ नहीं, इसे यूजलेस थे। और जिन लोगों को इसकी आदत पड़ गई वो कैसे छोड़ेंगे? देखिए कोई भी आदत छोड़ने के लिए सबसे पहले तो उसको समझना होगा, उसको अपने इसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझना होगा, अपनी विल पावर के ऊपर वर्क करना होगा। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे मजदूर हैं वो ब्रेक लेने के लिए गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, उनको भूख लगती है वो तब गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको प्रॉपर इस चीज़ को समझना होगा कि इससे जब आपको भूख लगती है आपको खाना खाना चाहिए एज मतलब बजाय गुटखा लेने के, तो उसको धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। काउंसलिंग सेशंस होते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलें, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें करें और परिवार के सहयोग से उनको छोड़ सकते हैं। अरे आगर है गुड़े आगर मेरे साथ थोड़ा पता लग गया, मैंने तोड़ेंगे नहीं ना।